Today we will solve worksheet 3 that is based on unitary method. Unitary method ke liye we will follow two steps. First is find the value of one unit by division. हमें सबसे पहले एक यूनिट की वैल्यू जो है वो पता करनी है एंड दैट वी विल फाइंड बाय डिवीजन. एंड नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ मोर यूनिट्स बाय मल्टीप्लिकेशन. फिर हम मल्टीप्लाई करके जो मोर यूनिट्स की वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे. लेट अस हैव एन एग्जांपल. हम इसको हम अब एक एग्जांपल देखेंगे. हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ 15 बॉक्सेस दैट इज इक्वल टू रुपीज 450 और हमें कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ 20 बॉक्सेस. तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ 15 बॉक्सेस इज इक्वल टू रुपीज 450. यहाँ से हम वन बॉक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. कॉस्ट ऑफ वन बॉक्स इज इक्वल टू 450 को 15 से डिवाइड करेंगे एंड वी गेट रुपीज 30. तो अब हमारे पास वन बॉक्स की कॉस्ट आ गई है 30. हमें कैलकुलेट करनी है 20 बॉक्सेस की कॉस्ट. तो हम 30 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड आंसर विल बी रुपीज 600. व्हाट वी डू, हम मेनी यूनिट से पहले वन यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर वन यूनिट से हम जो हमें नेक्स्ट मेनी यूनिट्स दिए हुए हैं या लेस यूनिट दिए होंगे उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. नाउ फर्स्ट सम इज साहिल बाइज 8 बुक्स फॉर रुपीज 72. वट इज द कॉस्ट ऑफ 45 बुक्स? 72 रुपीज की 8 बुक्स हैं और हमें 45 बुक्स की कॉस्ट पता करनी है. तो सबसे पहले हमें वन बुक की कॉस्ट पता करेंगे, तभी हम 45 बुक्स की कॉस्ट है वो कैलकुलेट कर सकेंगे. नाउ कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स इज रुपीज 72. तो कॉस्ट ऑफ वन बुक के लिए हम 72 को 8 से डिवाइड करेंगे एंड वी गेट रुपीज 9. एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 45 बुक्स? तो हम 45 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट रुपीज 405. सो कॉस्ट ऑफ 45 बुक्स इज इक्वल टू रुपीज 405. अब थर्ड सम में अरुण अर्न्स रुपीज 3,90,000 पर ईयर. फाइंड हिज अर्निंग्स फॉर 25 वीक्स. अब यहाँ तो हमें पर ईयर की अर्निंग दी हुई है और हमें कैलकुलेट करनी है 25 वीक्स की अर्निंग. तो हम क्या करेंगे, वन वीक को भी वीक्स में कन्वर्ट, वन ईयर को भी वीक में कन्वर्ट करेंगे. अब वन ईयर में कितने वीक्स होते हैं? इन वन ईयर देयर आर 52 वीक्स. वन ईयर में 52 वीक्स हैं. सो अरुण अर्न्स इन 52 वीक्स. वन ईयर की जगह हम क्या यूज करेंगे? 52 वीक्स. एंड दैट इज इक्वल टू 3,90,000. और एक वीक में वो कितना अर्न करेगा? हम 3,90,000 को 52 से डिवाइड करेंगे एंड वी गेट रुपीज 7,500. ये वन वीक की अर्निंग है. तो 25 वीक्स के लिए हम वन वीक की अर्निंग को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी गेट 1,87,500 रुपीज. इसका मतलब वो 25 वीक्स में 1,87,500 रुपीज जो है अर्न करेगा. नाउ इन फोर्थ सम द कॉस्ट ऑफ 18 केजी वीट इज रुपीज 216. फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन क्विंटल वीट. अब हमें यहाँ तो 18 किलोग्राम वीट की कॉस्ट दी हुई है, हमें पता करनी है वन क्विंटल वीट की. तो हम वन क्विंटल को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में एंड व्हाट इज वन क्विंटल? वन क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम. सो सबसे पहले हमें 1 kg वीट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है. तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 18 किलोग्राम वीट? दैट इज इक्वल टू रुपीज 216. तो 1 kg वीट के लिए हम 216 को 18 से डिवाइड करेंगे एंड व्हाट वी गेट कि 1 kg वीट की जो कॉस्ट है वो है रुपीज 12. सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 100 kg वीट? 12 को 100 से मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट रुपीज 1200.
Similarly, you can do the other sums of this worksheet.